हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। सुबह का समय है और आज बनाने जा रही हूँ उपमा। सूजी का उपमा है, बहुत दिन के बाद बना रही हूँ और इसीलिए मैं इसकी रेसिपी रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने सोचा चलो आज दिन से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, सुबह सुबह से ही। तो अभी टाइम 8:30 बजे का है सुबह का, और मैं नहा चुकी हूँ, घर क्लीन हो चुका है और अब किचन में यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो चाय बनाऊँगी और साथ में उपमा बनाऊँगी। तो उपमा बहुत ही सिंपल रेसिपी से बनाने जा रही हूँ, वही आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग इस तरह से नहीं बनाते हैं तो ज़रूर इस तरह से एक बार ट्राई करिएगा, तो और बताइएगा कि कैसा बना आपका। मेरा तो बहुत अच्छा बना था। पीहू बोल रही थी पोहा बनाओ, उसको पोहा ही पसंद है, तो बस मैंने सोचा कि आज पोहा की तरह ही उपमा बनाती हूँ तो उसको अच्छा लगेगा। तो मैंने सबसे पहले सूजी को भून लिया है और मैं यहाँ पर इसको निकाल ले रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ रोस्ट किया है बिना ऑयल घी के। अब मैंने अपनी कढ़ाई फिर से गरम करी है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, बहुत थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, और इसमें सबसे पहले मूंगफली को फ्राई करके निकाल लूंगी, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है मूंगफली उपमा में। और पोहा की तरह बना रही हूँ तो वही अगेन मैं उसको उसी स्टाइल में बनाऊंगी, जैसे कि पीहू को लगे ना कि ये उपमा है, सूजी का है, उसको लगे कि पोहा ही है इसीलिए। तो देखिए, पहले मैं सबसे पहले मूंगफली को भून करके निकाल लूँगी और फिर उसके बाद राई और करी पत्ता से छौंकूँगी। करी पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अभी कल वर्मा जी सब्जियां लेकर के आए थे, तो करी पत्ता और हरी धनिया भी थी उसमें, जब मैंने कल आपको गोलगप्पे का पानी जो है पानी पूरी वो शेयर किया था, तो उसी दिन वो लेकर के आए थे सब्जियां। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे करी पत्ता और राई डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी मटर। मटर मैंने फ्रोज़न वाली रखी हैं, उसी को निकाल करके पानी में डिप करके अच्छे से अब मैंने वॉश करके इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी, नमक और मिर्च, बस। और कोई मसाला मैं नहीं डालूंगी इसमें। हल्दी इसलिए डाल रही हूँ जिससे कि वो येलो दिखेगा पोहा की तरह। आप चाहें तो हल्दी ना डालें, ये ऑप्शनल है। तो अब मैंने इसमें सूजी डाल दिया है। सूजी मेरी भुनी है इसलिए हमें ज़्यादा देर इसको भूनना नहीं है, बस हम मिक्स कर लेंगे जिससे कि सारे मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएँ। और पानी, मेरी जो ये सूजी है ना, ये मोटी वाली सूजी है, तो मैं इसमें पानी 4 गुना डालूंगी, क्योंकि ये पानी बहुत पिएगी तो सूख जाएगा, और अगर उपमा बहुत ज़्यादा सूख जाएगा तो भी नहीं अच्छा लगेगा, और बहुत ज़्यादा गीला रहेगा तो भी नहीं अच्छा लगेगा। तो मैंने इसमें देखिए नाप के मैं 4 कटोरी पानी डाल दूंगी और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके चला लूँगी। जब ये 1 कटोरी वाला जो वो था वीडियो क्लिप, वो मिस हो गया है, 3 कटोरी आपके सामने मैंने डाला है, तो बस इसको अब हमें अच्छे से पका लेना है। धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जाएगा और बस तैयार है हमारा गर्मा गरम उपमा। और इधर पीहू आ गई है, मुझको प्यार बहुत आ रहा है, बोल रही थी मम्मा मुझे गोदी ले लो, तो वही मैं पीहू को यहाँ पे गोद में लेकर के प्यार कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमारा उपमा जो है वो पक चुका है। चलिए अभी इसे सर्व करते हैं। और धनिया पत्ती आप डाल सकती हैं, बट मैंने धनिया पत्ती नहीं डाला है। तो चलिए गर्मा गर्म उपमा खा लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? और अभी मैं देख रही थी रामायण और टाइम हो रहा है 10:05, मतलब कि रामायण ख़त्म होने वाला है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है, उपमा बनाया था, अच्छा बना था, और आज पीहू ने उपमा फर्स्ट टाइम देखा खाया है, उसे अच्छा लगा। मैंने लगाए हैं कपड़े, वॉश हो रहे हैं, तो अभी ब्रेक है इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, और देखूँगी रामायण जब पूरा हो जाएगा तो फिर उसके बाद अपने और काम करूँगी, मतलब लंच की तैयारी करूँगी। और मेरी आईब्रोज बहुत बड़ी हो गई हैं। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि हेयर कट का तो दिखा दिया आपने, आईब्रोज़ का क्या करें,
तो देखो भाई, मैं ना कभी भी आईब्रोज घर पे नहीं करती हूँ, बस आगे आगे से कट कर लेती हूँ। तो आईब्रो तो मैं हमेशा बाहर पार्लर से इतना करवाती हूँ, अपर लिप मैं घर पे कर लेती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं अपर लिप घर पे कैसे करती हूँ। बाकी मैं बाहर से तो कुछ नहीं करवाती हूँ, सिर्फ थ्रेडिंग और फोरहेड ही करवाती थी, और अभी ऐसा है तो वो करवा नहीं सकते हैं। आप लोग को आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी क्योंकि मशीन चल रही है। तो चलिए, मैं कपड़े बंद हो जाते हैं, वॉश हो जाते हैं, रामायण देख करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ मेरा फर्स्ट राउंड जो है वो वॉश हो चुका है, सूख गया है, मैं उसको लेकर के आई हूँ फैलाने के लिए, और पीहू मेरी यहाँ पे हेल्प करती जा रही है, उसे बहुत अच्छा लगता है। और आपको पता है, एक दिन जब मैं यहाँ पे कपड़े फैला रही थी तो एक औरत थी, वो बूढ़ी बेचारी औरत थी, वो चिल्ला रही थी घर में खाना ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं है, मुझे खाना दे दो, मेरी कोई तो हेल्प कर दो। तो हम लोग ने फिर उसको कुछ पैसे दे दिए थे, लेकिन इस तरह से बताओ कैसी सिचुएशन है कि लोग इतना परेशान होकर के भीख मांग रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, कोई तो हेल्प कर दो। आप लोग भी इस तरह से अगर कोई है तो उसको ज़रूर हेल्प करें, और जानवरों को आप कुछ खाना दे सकते हैं, खाना बिल्कुल ना फेंकें, जो भी आपके घर में बचता है वो लोगों को दे दें, जानवरों को, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई, गाय हो गई, उसको ज़रूर इस समय खिलाना चाहिए, क्योंकि इस समय जानवरों को भी खाना नहीं मिल रहा है। तो बस मैंने लास्ट वाली राउंड भी डाल दिया है, उसमें जितने पोंछने वाले कपड़े थे ना, डस्टिंग वाले, वो मैंने वॉश करने के लिए रखा है, रगड़ने को डाला है। और यहाँ पीहू ने सारे पिलो इधर उधर फेंक दिए थे, तो मैं उससे बोल रही थी चलो आप ही अब इसको सेट करो, तो वही मैं पीछे से इसका वीडियो बना रही थी। और जैसे ही इसको पता चला कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो फिर वो देखिए अगड़म भगड़म अपना काम करने लगी, टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से। तो बिल्कुल भी, मतलब पीहू बहुत ज़्यादा कैमरा शाय हो जाती है, उसको पता नहीं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अभी रामायण भी ख़त्म हो गई है और मेरे कपड़े भी अब धुल ही चुके हैं, बस लास्ट राउंड जो है उसको मुझे ड्रेन करना है बस, बाकी सब पूरा धुल गया है। और अब बस मैं बैठी हूँ, 10:30 बज रहे हैं, आज रामायण 10:15 तक आया है और अभी 10:30 बजने वाले हैं, 5 मिनट बचा है। तो चलिए सारे कपड़े अपने वॉश कर लेती हूँ। वाटरमेलन निकाल लिया है, थोड़ा जब ये नॉर्मल हो जाएगा तो हम लोग 11 बजे तक वाटरमेलन खाते हैं, मतलब कोई भी एक फ्रूट खाते हैं। तो ये मैंने निकाल के रख दिया है। मेरे कपड़े धुल चुके हैं और मैं यहाँ बैठ गई हूँ हरी मिर्च को कट करने के लिए, जो मोटी वाली हरी मिर्च होती है ना, कम तीखी वाली, वही मैं हरी मिर्च यहाँ बैठ करके काट रही हूँ। और इधर पीहू जो है वो डांस कर रही है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो इस हरी मिर्च का मैं बनाने वाली हूँ, वो जो मिर्च नहीं फ्राई करते हैं, छौंकते हैं, उसी को ही। और ये देखिए यहाँ पर पीहू कैसे मज़े से डांस कर रही है, तो वही मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया पीछे से। हाँ, तो यहाँ मैं मिर्च कट कर रही हूँ और जब मैं इसको बना लूँगी तब मैं दिखाती हूँ आपको, लेकिन रेसिपी नहीं शेयर करूँगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, कमेंट करके बताइएगा। तो बस आज मैंने आपके साथ उपमा की रेसिपी ही शेयर करी है, इसकी रेसिपी नहीं बनाऊँगी। एक्चुअली क्या हुआ था, जब बनाने बैठी तो उस समय मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया, तो मैं बातें करने लगी थी इसीलिए। तो ये देखिए मैंने मिर्च को है बना लिया है, फ्राई कर लिया है। तो दाल बनाई है मैंने और साथ साथ सब्जी नहीं बनाई मैंने, मैंने सोचा चलो आज यही बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है तीखा तीखा, चटपटा चटपटा। तो अगर आप लोग कहिएगा तो मैं इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी मैं हम लोग खाना खा करके आ गए हैं अपने बेडरूम में, आज क्लीनिंग करने के लिए। एक्चुअली 2 दिन मैंने बाहर वाले रूम की 2 दिन पहले ही अच्छे से क्लीनिंग कर ली है, क्योंकि पता है बहुत ज़्यादा वॉल्स गंदी हो गई थी। पीहू यहाँ पे, बच्चे हैं आप कितना भी रोक
रोकोगे, वो तो लिखते रहते हैं। और यहाँ पीहू ही रिकॉर्ड कर रही है, उसके हाथ में फ़ोन है। मैं और वर्मा जी दोनों लोग मिल करके अच्छे से वॉल साफ़ कर रहे हैं, टाइल साफ़ कर रहे हैं, जिससे कि धीरे धीरे एक करते रहेंगे तो क्लीन हो जाएगा। हाँ, तो ये वाली क्लिप जो है वो पीहू रिकॉर्ड कर रही थी, और क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्स गंदी थी, पीहू ने पेन वेन खिंचा दिए थे, पेंसिल खिंचा रखी थी, तो इसीलिए आज हम लोग सोचे चलो कि अंदर साफ़ कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ। बाहर वाले रूम की मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी है वीडियो, तो बस इसीलिए मैंने सोचा चलो आज अंदर दिखाती हूँ। और यहाँ मैंने कपड़ा गीला कर लिया है और इसको अच्छे से मैं पोंछती जाऊँगी, उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी, तो ये सारी वॉल जो है एकदम चमक उठेंगी। तो देखिएगा, अभी मैं आपको बाद में इसका फाइनल लुक भी दिखाऊँगी। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये वाली वॉल कितनी ज़्यादा गंदी है, क्योंकि पीहू है तो बच्चों के साथ तो हो ही जाता है गंदा, चाहे आप जितना ध्यान देंगे। पीहू ने इसमें लिखाई पढ़ाई भी कर रखी है। तो अब आइए इस दीवार की बारी, चलिए, ये बेड के पास वाली दीवार है। फ्रेंड्स देखिए, ये पूरी वॉल हम लोगों ने साफ कर दी है। इस समय मैंने रूम के पर्दे वर्दे सब लगा दिए हैं, ये देखिए, सिर्फ इस समय फ्लैश से ही मैं आपको दिखा रही हूँ। और पूरा रूम हम लोगों ने अभी क्लीन किया है, ये साइड साइड जो टाइल्स के होते हैं ना साइड में, वो सब अभी थोड़ा बहुत और है, तो ये कल हम लोग क्लीन करेंगे। और ये वॉल तो हम लोगों ने पूरी कर दी है, ये देखिए इधर ऐसा। तो चलिए फिर इसी के साथ अब ये व्लॉग यहीं फिनिश कर देती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको अपने कल के व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।